हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग को लेके। दोस्तों बहुत से अकाउंट में यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग नहीं है, कैसे आपको पता करना है NPCI लिंक है कि नहीं आपके अकाउंट के साथ या फिर आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, आप अब घर बैठे ही आप इसको चीज़ को फाइंड कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे आपको पता करना है कि आपके बैंक के साथ कोई भी आधार कार्ड लिंक है कि नहीं या फिर आधार कार्ड सेटिंग है कि नहीं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है कि नहीं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट काम में आधार कार्ड सेटिंग की मांग की जरिए NPCI लिंक होना जरूरी है, तो इसको कैसे आपको जानकारी लेना है, कैसे आपको फाइंड करना है। चलिए इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यहां पे uidi.gov.in यानी आधार कार्ड की वेबसाइट पे चला जाना है। सिंपली आपको यहां पे ऐसे भी सर्च कर सकते हो, सिंपली आधार कार्ड यहां पे मैं सर्च करता हूं, जैसे यहां पे कर लिया। उसके बाद यहां पे मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, जो यहां पे सबसे ऊपर में uidi.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे जाने के बाद यहां पे सिंपली आपको हिंदी ऐप फिर इंग्लिश यहां पे डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे क्या करना है, सिंपली आपको ऑप्शन मिल जाता है यहां पे, सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन वाले सेक्शन जाना। लॉगिन के सेक्शन पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे कहीं देखिए यहाँ पे गेट आधार, यहाँ पे देखिए मोटी हेडिंग है, उसके नीचे यहाँ पे छोटे से डाउनलोड आधार कार्ड लिखा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आधार कार्ड डाउनलोड वाले पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली अपने आधार कार्ड नंबर डालना होगा और यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी शो करिए उसको डालना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा, सिंपली उस OTP को यहाँ पे आपको डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने पर दोस्तों सिंपली आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा, जो कि आपको सर्विसेज के ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली आपको चेक करना है बैंक सेटिंग स्टेटस, जो कि आपके आधार कार्ड से कोई भी आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, NPCI लिंक है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। इसके लिए आपको बैंक सेटिंग स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां पे आपको आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस पता चल जाएगा। जैसे यहां पे देख सकते हैं बैंक सेटिंग स्टेटस एंड इनएक्टिव, इस यहां पे इनका जो है आधार कार्ड इनएक्टिव है, आधार कार्ड का जो सेटिंग है नहीं हुआ है बैंक के साथ सेटिंग नहीं, इनको सेटिंग करवाने की जरूरत है, ये इनके ब्रांच पे हो जाएगा। अगर मान के चलिए किसी का इनका जैसे ही सेटिंग हो जाता है, अपडेट करवा लेते हैं बैंक के थ्रू जाके, बैंक से ही होता है दोस्तों, बैंक पे ही जाना पड़ेगा, जो भी बैंक खाता हो उसी अकाउंट उसी ब्रांच पे जाके आपको एक काम करवाना पड़ेगा। चलिए मैं आप दिखाता हूँ अगर आपका एक्टिव हो जाता है किस तरीके से दिखेगा। चलिए इसको भी मिल रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सिंपली उसी वेबसाइट पर फिर से जाना आधार कार्ड की वेबसाइट पर, और आपको आधार कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करना है। ऊपर में सबसे लॉगिन का स्टेटस मिल जाएगा, लॉगिन का डैशबोर्ड मिलेगा, उस पर क्लिक करने पर दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करना है, अपना आधार कार्ड नंबर पूरा डाल देना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, OTP यहाँ पे क्लिक यहाँ पे डाल के सिंपली लॉग इन कर देना है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं बैंक सेटिंग स्टेटस, यहाँ पे सारे डैशबोर्ड खुल चुके हैं, जो कि माई आधार कार्ड जितने भी सर्विसेज आपको मिलते हैं सारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। सिंपली अब हमको चेक करना है बैंक सेटिंग स्टेटस की हमारा जो सेटिंग यहाँ पे एक्टिव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आपका एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन, योर बैंक आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी आपका यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग हो चुका है सिंपली, और यहाँ पे कौन सी बैंक में वो भी दिख जाएगा, यानी इंडियन बैंक में हमारा हो चुका है और सेटिंग स्टेटस में एक्टिव हो गया है। कब हुआ है ये भी यहाँ पे दिख रहा है, 14/2/2021 को ये हो गया था, यहाँ पे NPCI यहाँ पे लिंक हो चुका है। ठीक है, कौन से बैंक में सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इस डैशबोर्ड में आपको देख सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं, इसकी वजह से कोई भी यहाँ पे बैंक अकाउंट का नेम शो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि इनएक्टिव है, यानी यहाँ पे किसी भी बैंक के साथ लिंक नहीं है। तो ये सारी बहुत ही ईजी तरीका दोस्तों आपको यहाँ पे समझना होगा, बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। बहुत लोग सोच रहे होंगे कहाँ पे लिंक होगा, तो दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसी ब्रांच पे जाना है, आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको वहाँ पे बोलना है कि आधार कार्ड सेटिंग करना है हमका, वहाँ पे जाके सिंपली आपको बोलना है NPCI लिंक करना है या फिर बैंक सेटिंग करना है, आपका आधार कार्ड लिंकिंग करना है, सेटिंग करना, कुछ भी बोल सकते हो। तो समझ जाएंगे उस हिसाब से आप एक फॉर्म रिसीव होगा, फॉर्म देंगे वो लोग, तो फॉर्म को आपको यहाँ पे मैनुअली भर के वहाँ पे जमा करना होगा, उसी ब्रांच पे जमा कर देना होगा। जैसे जमा करेंगे यहाँ पे 24 से 72 घंटे के अंदर ये अपडेट हो जाती है, जैसे अपडेट हो जाएगी तो आपको इसी तरीके से चेक करने के बाद शो करेगा कि आपकी कौन से बैंक में जो भी बैंक में सेटिंग हो गया, वो बैंक यहाँ पे नाम लिखेगा, एक्टिव का यहाँ पे सैंपल मिलेगा। इससे आपको जान जाना है कि हमारे आधार कार्ड का जो भी बैंक है वो आधार कार्ड लिंकिंग हो चुका है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। अब आपके जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी है, यहाँ पे पैसे हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे गैस सब्सिडी होती है या फिर किसान सम्मान निधि हुई थी या फिर स्कॉलरशिप होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे बैंक लिंकिंग के थ्रू हो जाती है। अगर आपका मैपिंग है आधार कार्ड से, यानी सेटिंग है NPCI लिंक है, सारी चीज़ें एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, होगा तभी जाके आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी या फिर PM किसान सम्मान निधि या फिर स्टूडेंट का स्कॉलरशिप तभी आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ये सारी चीज़ एक्टिव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पैसे 110% आना ही है। ये जो प्रॉब्लम है बैंक से है तो बैंक का सलूशन यहीं से मिलेगा, बाकी कोई अदर रीजन से आपका स्कॉलरशिप या PM किसान सम्मान निधि नहीं आता है तो अलग प्रॉब्लम है, वो चीज़ें आपको ऊपर से ही ठीक करवाना होगा। लेकिन जो बैंक का काम है यहाँ से होता है, तो बैंक का यहाँ पे मैनुअली आप घर से ही चेक कर सकते, चेक करने के बाद आपके जानकारी मिलने के मुताबिक आप अपना काम कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी
भाई हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।